नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में बीते कल पहले चरण के चुनाव थे, जिसको लेकर सियासत हरियाणा तक गर्म नजर आई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मतदाताओं से बड़ी अपील करते हुए कहा कि देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलनी है और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज विपक्ष पर आक्रामक नजर आए। अनिल विज ने कहा, कहीं गुंडावादी पार्टी है तो कहीं भाई भतीजावाद है, कहीं पर सैन माफिया है। इन सबसे मुक्त, सबका उत्थान करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव प्रचार में विपक्षी पार्टियों ने किसानों के मुद्दे पर भी भाजपा के खिलाफ जमकर प्रचार किया, तो क्या ऐसे में किसान आंदोलन का असर इन चुनावों पर देखने को मिलेगा? इन सवाल के जवाब में अनिल विज ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। अनिल विज ने कहा कि विपक्ष तो कोशिश करता है कि हर मौके पर देश में आग लगाई जाए, लेकिन लोग समझदार हैं। अनिल विज ने कहा है कि देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने किसानों की मांग पर कृषि कानून पूरी तरह रद्द कर दिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन अब से पहले भी हुए हैं। एक आंदोलन इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, लेकिन इंदिरा गांधी ने लोगों की बात मानने की बजाय आपातकाल लगा दिया था और सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। देखिए, मैं सारे देश के मतदाताओं से, पांच राज्य जिनके चुनाव हो रहे हैं उनके मतदाताओं से, कि देश की तस्वीर बदलनी है, देश की तकदीर बदलनी है, और ये काम सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बाकी पार्टियों का राज आपने देख लिया, कहीं पर गुंडावादी पार्टी है, कहीं पर सैंड माफिया है, कहीं पर भाई भतीजावाद है। इन सारी चीजों से मुक्त और सबको साथ लेकर चलने वाली अगर कोई पार्टी है, सबका उत्थान करने वाली अगर कोई पार्टी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आंदोलन का जो है वो खूब विपक्ष ने प्रचार किया, खूब मुद्दा उठाया, क्या लगता है आपको? नहीं, विपक्ष तो कोशिश करता है हर मौके पर देश में आग लगा दी जाए, लेकिन लोग समझदार हैं, लोग इनकी बातों में नहीं आते हैं। और ये पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने किसानों की मांगों को एकदम, जो तीन बिल थे उनको रद्द कर दिया। आंदोलन पहले भी होते रहे हैं, कांग्रेस के राज में भी हुए हैं, इंदिरा गांधी के समय पे भी हुआ था, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हुआ था। लेकिन इंदिरा गांधी ने, जो कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी, लोगों की बात मानने की बजाय देश में आपातकाल लगा दिया था, सारे नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया था। और आंदोलन अब भी हुआ है, किसानों का आंदोलन हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात को मान लिया है और जो केस भी बने हुए थे उन सारे केसेस को खत्म करने का आदेश दिया है। साहब, सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि पांच राज्यों के चुनाव के बाद मोदी सरकार तेजी से गैस, डीजल और पेट्रोल यानी जीडीपी बढ़ाएगी। बचाव का एक ही रास्ता है कि हरियाणा की भाजपा को हराए और महंगाई से छुटकारा पाए। देखिए, सुरजेवाला जी के मुंह से कभी भी कोई अच्छी बात नहीं निकलती है। अब पता नहीं जब ये पैदा हुए थे इनको गुड़ती किसने दी थी कि इनके जब मुंह खोलते हैं तो उसमें से गलत बातें ही खुलकर सामने आती हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।